गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड इंग्लिश ट्यूटर चैप्टर 9 द लॉयंस शेयर यानी शेर का हिस्सा। वन डे अ जैकल एंड अ फॉक्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द लॉयन। एक बार की बात है, एक बार एक श्यार और लोमड़ी ने शेर के साथ में एक समझौता किया। दे वाउंट हेल्प वन अनदर इन हंटिंग कि वे एक दूसरे की शिकार करने में मदद करेंगे। देम वाउंट हेव टू स्ट्रेप ऑफ कोर्स बोथ द जैकल दे फेल्ट दैट नॉन देम वाउंट हेव टू स्ट्रेप। उनको लगता था कि ऐसा करने से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स बोथ द जैकल एंड द फॉक्स वेयर अ लिटिल नर्वस अबाउट लेकिन अकंपनी द लॉयन इन द हंट। जो श्यार और जो लोमड़ी थे वो थोड़े से घबराए हुए थे शेर के साथ शिकार करने में। बट दे काउंट डू नथिंग दे पुट द नर्वसनेस डाउन टू नर्वस लेकिन उसके बाद उनकी नर्वसनेस जो है उन्होंने एक साइड रखी और एक इट वॉज अ एक्सलेंट हंट एक उत्कृष्ट शिकार के लिए तैयार हो गए। ऑल ऑफ देम कम टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड उसके बाद वह जंगल में भोजन की तलाश में गए। व्हेन दे कम टू द लेक साइड दे डिस्प्रेड वह झील के पास पहुँचे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द जैकल वाउल कीप एन आई आउट फॉर एनिमल्स उन्होंने डिसाइड किया जो शियार है वह जानवरों पर नज़र रखेगा। टू प्रे ऑन व्हेन ही सपोर्टेड वन ही बाउल्ड गो अप टू द एनिमल एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बाय ब्रिंगिंग द बाउल्ड अलर्ट द अदर टू वो वेयर हाइडिंग उन्होंने कहा कि मतलब जैसे ही कोई जानवर सामने आएगा तो शियार उसके सामने जाएगा और उसे अपना इंट्रोड्यूस यानी उसके सामने पहुंचकर घुर्राते हुए आवाज़ निकालेगा और दूसरे को सावधान करेगा। द फॉक्स बाउल्ड कम आउट एट फर्स्ट ग्रोलिंग एट द एनिमल जैसे ही एनिमल जानवर जो आया था तो शियार उसके सामने गया और उसने आवाज़ निकालकर दूसरे को अलर्ट कर दिया यानी सावधान कर दिया। द फॉक्स बाउल्ड कम आउट द फर्स्ट ग्रोलिंग एट द एनिमल सबसे पहले जो है जो लोमड़ी थी वह सामने आई और जानवर को घूरने लगी। द फ्राइटनेड एनिमल वाउल्ड ट्राई टू रन डायरेक्टली इन द पार्ट ऑफ द लॉयन और डरकर जो एनिमल जानवर था वो उसी रास्ते पर दौड़ने लगा जहाँ शेर था। द लॉयन वाउल्ड देम फिनिश द एनिमल ऑफ इज वन स्ट्रोक और शेर ने एक ही छलांग में उस जानवर को मार दिया। इन द इवनिंग बोथ ऑफ देम कम इन फ्रंट ऑफ द लॉयन डेन विथ देयर लार्ज बॉडी उसके बाद शाम के समय वे दोनों शियार और जो लोमड़ी थे अपना शिकार लेकर शेर के गुफा के सामने पहुँचे। द लॉयन ऑर्डर्ड द जैकल टू डिवाइड द ओशन उसके बाद शेर ने शियार को उस शिकार को बांटने का ऑर्डर दिया बांटने के लिए कहा। द जैकल वॉज वेरी हैप्पी यह सुनकर जो शियार था बहुत खुश हो गया। ही फेल्ट डैट इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम यह उसके लिए एक सम्मान की बात थी। वेरी केयरफुली ही डिवाइडेड द फूड इन टू थ्री इक्वल शेयर उसने बहुत ध्यानपूर्वक उसके तीन हिस्से बराबर कर दिए। सर आई हैव डन द नीडफुल मोस्टली रिक्वेस्ट द टू ऑफ यू टू टेक योर शेयर ही सेड शियार बोला कि सर मैंने शेर से मैंने तीन हिस्से बराबर कर दिए हैं आप दोनों अपने अपना हिस्सा ले लें। द लॉयन स्टार्टेड एट द शेयर फॉर अ मिनट
पहले तो शेर ने शुरू में उस हिस्से को घूरता रहा कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। ओ सो यू थिंक ईच वन ऑफ अस डिजर्व एन इक्वल शेयर। ओ तुम्हें लगता है कि हम तीनों एक दूसरे को हिस्से, मतलब बराबर के हिस्सेदार हैं। यू आर कंपेयरिंग योर एफर्ट विथ माइन, मतलब तुम अपने आप को मेरे बराबर समझते हो। ही सेड एंड जंपेड ऑन द जैकल एंड किल्ड इट, और यह कहकर वह शेर के ऊपर कूद गया और उसे मार दिया। देन ही टोल्ड द टेरिफाइड फॉक्स टू मेक द डिवीजन। उसके बाद डरी हुई लोमड़ी से शेर ने हिस्से करने को बोला। द फॉक्स accumulated all that they had killed into one large heap and fell to himself. लोमड़ी ने सबसे पहले लूटे हुए हिस्से को एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद the smallest possible share. Then he requested the loin to have it. उसके बाद उसने एक छोटा सा हिस्सा सारा एक तरफ करा और छोटा सा हिस्सा अपने लिए लिया। उसके बाद शेर से रिक्वेस्ट की कि वह अपना हिस्सा खा ले। वो हैज़ थॉट यू माई डियर फेलो द आर्ट ऑफ डिवीज़न, शेर बोला लोमड़ी से कि प्रिय तुम्हें ये बांटने की कला किससे सीखी है। You are perfect to a fraction, said the loin. वह लोमड़ी से बोला कि तुम परफेक्ट हो इस चीज़ के लिए। The learned it from the jackal. वो बोली लोमड़ी कि मैंने ये कला जो है जैकल से, यानी श्यार से सीखी है। Sir, replied the fox. लोइन को उसने जवाब दिया। He made up his mind never to take a loin as a partner in future. लेकिन उसने अपने दिमाग में यह सोच लिया था कि आगे कभी फ्यूचर में, भविष्य में वह शेर के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। यह हमारा चैप्टर 9 है, आपको अच्छे से इसे रीड करना है, उसकी मीनिंग लर्न करना है।